आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के बाद अब चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी की जीत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में स्कूल आज बहुत खराब स्थिति में है। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई वादे किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है और आपकी गारंटी का पूरा ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि दिल्ली स्थित पार्टी के छत्तीसगढ़ में राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश के बीच केजरीवाल ने 10 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए मासिक सम्मान राशि सहायता और मुफ्त बिजली शामिल है। केजरीवाल ने आगे कहा कि भारत को आजादी मिले 76 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने एक भी राजनीतिक दल को ये कहते नहीं देखा कि वो स्कूल और अस्पताल मनाएगा। इसके बजाय वो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते रहते हैं, लेकिन हम स्कूलों के निर्माण और विकास के लिए वोट मांगेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। किसी को ये देखना चाहिए कि दिल्ली में सरकारी स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए तो हम स्कूलों और अस्पतालों की पूरी तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा, हमारी 10 गारंटी नकली घोषणा पत्र या संकल्प पत्र की तरह नहीं है। केजरीवाल अपने हर वादे को पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वही अगर केजरीवाल के 10 वादों की बात की जाए तो उन्होंने पहले नंबर पर बिजली की बात की। बिजली पे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा किया। इस बात पर जोर भी दिया कि ये उपलब्धि दिल्ली और पंजाब में सफलतापूर्वक हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नवंबर तक लंबित बिजली बिल माफ करने का भी वादा कर दिया। वहीं दूसरा है शिक्षा। दरअसल छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों में भ्रष्टाचार खत्म करने और अधि शिक्षकों को नियुक्त करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करने की कसम खाई। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। वही तीसरा था स्वास्थ्य सेवा। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का वादा किया। वही चौथा था रोजगार। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और बेरोजगार व्यक्तियों को 3,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी नौकरियां बिना रिश्वतखोरी या भाई भतीजावाद की दी जाएगी। वहीं पांचवा है महिला कल्याण। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। वहीं छठा है तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्राएं आयोजित करने का संकल्प लिया, जिसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं सातवा है भ्रष्टाचार विरोधी। आप नेता ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शी शासन लागू करने का वादा किया। आठवा है जवानों के लिए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने नेतृत्व के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले छत्तीसगढ़ के सैनिकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की घोषणा भी की। वहीं नवा है नौकरी की सुरक्षा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा मिलने की गारंटी मिली। वहीं है दसवा किसानों आदिवासियों के लिए गारंटी। केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि आप छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों के कल्याण के लिए गारंटी प्रदान करेगी। आगामी चुनाव अभियान में इससे संबंधित अधिक जानकारी का खुलासा किया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लोगों से आपको एक मौका देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी गारंटी वास्तविक है और अन्य राजनेताओं द्वारा की गई गारंटी से भिन्न है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपका समर्थन करके नागरिक अपने राज्य में वास्तविक बदलाव और प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं।